अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। आराम थी। ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह सांस लोगी ना तो धूल नाक में घुस जाएगी। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, अब सिर्फ एक महीना बचा है। अरे एक महीने में 7 किलो वजन कम करना है और मैं तो चाहती हूँ कि हमारी 25वीं एनिवर्सरी पर मैं और महेश परफेक्ट कपल दिखे। आ गई सविता बेन दोषी, अब दोष गिनाना शुरू कर देंगे। भाभी भाभी, मैं ना आप पे नहीं हंस रही थी। वैसे भाभी कैसा चल रहा है वो आपका वेट लॉस प्रोग्राम? 2 महीने में 250 ग्राम वजन कम किया है और 1 महीने में 7 किलो वजन कम करना है। हाँ, अब तू ही बता, ये कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाभी। क्या? अभी ना मैंने एक नया ट्रेनर रख लिया है, वो तो गारंटी देता है 7 दिन में 5 किलो वजन कम करके दिखाएगा। सविता बेन, मुझे भी नंबर दीजिए ना, मैं तो आज से ही शुरू करती हूँ। लिखिए ना। बोल। 8801 8801 9292। आगे मैं क्या कह रही हूँ भाभी, ऑन योर सेकंड थॉट आप ना फिलहाल इस ट्रेनर को मत रखिए। नहीं मतलब कि पहले मुझे देख तो लेने दीजिए कि वो जैसा बोलता है वैसा करके दिखाता है या नहीं। मुझे मालूम था नंबर तो इन्हें देना ही नहीं। भाभी आप यही सोच रही है ना कि मैं आपको ये नंबर नहीं देने वाली हूँ? ऐसा नहीं है भाभी। अब देखिए ना, कहीं वो फ्रॉड निकला तो, इसीलिए 7 दिन के लिए मुझे ही ट्राई कर लेने दीजिए। अगर कुछ रिजल्ट मिला तो आप और महेश भाई दोनों ही शुरू कर देना, बराबर है ना? नीता वो जी, रसोड़ा में जाके देख लेना नाश्ता वास्ता बना है कि नहीं। जी हाँ बा। जय श्री कृष्णा। गीता देखो, सब लोगों के लिए वही नाश्ता बनाना जो बनाती हूँ, और मेरे और महेश के लिए सिर्फ बॉयल दाल बनाना, ठीक है ना? पर भाभी मोटा भाई ने कहा है कि खमन ढोकला और जलेबी खाएंगे। क्या? जी मतलब मैं यहाँ 1-1 किलो वजन कम करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और वो एक ही बार में 2-2 किलो वजन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। गीता तुम ना बॉइल दाल ही बनाना, मैं कसम देके उनको वही खिलाऊंगी, ठीक है ना? अरे सुन, वो सविता बहन ने क्या बनाने को कहा है? सविता बहन ने सिर्फ पपीता काटने को कहा है। क्या सिर्फ पपीता? कितने पपीते काटने को कहा है? एक पपीता। सिर्फ एक पपीता? हाँ। अच्छा गीता, एक काम करना, हमारी बॉइल दाल ना वो कैंसिल, और हम दोनों को मिला के ना सिर्फ एक पपीता ही काटना। मैं उनको कसम देके ना पपीता खिला ही दूंगी, आधा वो खाएंगे आधा मैं खाऊंगी, ठीक है? जी पपीता खाना पड़ेगा अभी। नीता भाभी का रिएक्शन ना देखने जैसा था जब
मैंने उन्हें वो ट्रेनर का नंबर नहीं दिया। वो कहते हैं ना, हाथ को आया और मुंह को ना लगाया, बस ऐसी वाली शक्ल हो गई थी उनकी। और सच बताऊं, ऐसा कोई ट्रेनर है ही नहीं। ये मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ, ऐसा कोई इंस्ट्रक्टर है ही नहीं। सविता बेन भी ना एक्टिंग ही कर रही है, तबीन कुछ भी कर सकती है। वो चाहती ही नहीं है कि मेरा वजन कम हो। अरे वाह, क्या? अरे नहीं नहीं, तुमको नहीं, वो शेर के भाव बढ़ गए इसके लिए मैंने कहा। अरे वाह, अपने गीता को क्या बनाने को कहा है? ढोकला और जलेबी, आपने प्रॉमिस किया था, भूल गए? प्रॉब्लम क्या है, मुद्दा क्या है, सविता या मेरा वजन? दोनों। लेकिन आपका पूरा ध्यान आपके शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे, घर के जो उतार चढ़ाव है उस पे कौन ध्यान रखेगा? जब से पैदा हुई हूँ इस घर में कोई उतार नहीं आया, सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव आया। बाबूजी ने अपने बिजनेस की शुरुआत मेरे हाथों से करवाई थी, तब से लेके आज तक शास का स्टेटस सिर्फ बड़ा है। अरे भाई, मैं इस घर की लकी बेटी हूँ, इसीलिए तो मुझे यहाँ से ससुराल कोई जाने ही नहीं देता। औरतें ससुराल आती है अपनी मैके से कभी कभी छुट्टियों के लिए, लेकिन सविता भी वो तो मैके से ससुराल कभी कभी छुट्टियों के लिए जाती है। तो जतिन भाई अच्छे हैं जो उन्हें यहाँ रहने देते हैं और खुद भी यहीं रहते हैं। जतिन तो सिर्फ इस घर का जवाई ही नहीं, बेटा है बेटा, हमसे बड़ा घर है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ सविता की वजह से यहाँ रहते हैं। इन सविता बिन ये बात नहीं समझती ना। छोड़ो ना, अच्छा ही है ना ये वो लोग यहाँ पर रहते हैं। सोचो वो लोग अगर चले गए तो अक्षय और अदिति भी चले जाएंगे। क्यों, वो लोग क्यों जाएंगे? बच्चे हैं उनके, उनके साथ ही जाएंगे ना। देखिए, सविता बिन अक्षय और अदिति की माँ जरूर होंगी, लेकिन वो दोनों बच्चे मेरे हैं। और हाँ, कबीर से भी ज्यादा ना, उन दोनों को मैंने अपने गोद में खिलाया है। अरे उनसे भी पहले कबीर को मैंने अपनी गोद में उठाया था। इस घर का पहला चिराग कबीर जैसे हीरे को पैदा किया है मोटा भाभी ने, इसीलिए उनकी बात को मैं दिल से नहीं लगाती। वो भले ही कबीर की माँ, लेकिन बेटा, बेटा तो वो सिर्फ मेरा है। अरे ही विल डू इट रोहन, कभी ने आज तक पेरेंट विश नहीं की है कभी। कबीर, थैंक्स यार। थैंक्स किस लिए? किसी को भले ना पता चला हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है। तुमने जानबूझ के एक एक गलत मारी ना, और हमें जिता दिया, इसलिए थैंक्स कह रहा हूँ, क्योंकि इस मैच में जीते हुए पैसों से हमारे कॉलेज की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तुम जानते ही हो ना, ये चैंपियनशिप हमारे कॉलेज के लिए कितना जरूरी था। इट्स ओके, तुम दिलदार हो, ये बात सुनी थी, आज देख भी लिया। अगर तुझे कॉलेज की इतनी मदद करनी थी तो उनको पैसे दे देता। मैंने तो पैसे ही ऑफर किए थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया। और इसीलिए तुम जान मुझ के मैच हार गए।
अरे अदिति आजा। Hey guys. Hi. कभी तुमने ऐसा क्यों किया? उन लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है और अगर वो ये मैच हार जाते ना तो उनके कॉलेज का फुटबॉल डिवीजन बंद हो जाता। And you know that, फुटबॉल के लिए anything. अदिति समझाओ अपने भाई को, ये जो इसका anything है ना, इसका everything डुबा देगा। Exactly. यार ऐसा करने से पहले सोच तो लिया कर। इतना सोचूंगा ना तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, so just chill. And I promise, अगले मैच में कम से कम 5 गोल मारूंगा। तूने बोला था तू मारेगा ही, इतना तो तुझे जानते हैं। I hope आज रात फैशन कॉम्पिटिशन में तुम जीत जाओ अदिति। मैं कबीर भाई की बहन, हारना तो कभी मैंने सीखा ही नहीं। You bro? Bravo. अगर अदिति के कॉलेज के फंक्शन में कबीर के लिए लड़की देखना चाहती हूँ तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? कबीर के लिए इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे ले सकते हो भाभी? अरे फैसला किया कहाँ है, फैसला तो फैशन कॉन्टेस्ट में जाने के बाद ही करेंगे ना। और सोचिए ना, बड़ोड़ा का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉलेज, इसका मतलब ये कि वहाँ जो भी लड़के आएंगी अच्छे घर की होगी। ऊपर से फैशन कम डिबेट कॉम्पिटिशन है तो लड़कियाँ स्मार्ट भी होंगी और सुंदर भी। नीता बेटा तुमने सोचा तो अच्छा है पर मुझे लगता है कि कबीर अभी छोटा है। वही तो मैं कह रही हूँ ना भाभी। और ये भी तो हो सकता है कि कॉलेज में उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सविता बहन, उसने आपको कोई हिंट विंट दी है क्या? हिंट दिया भी हो ना भाभी तो मैं आपको नहीं बता सकती। यू नो इट्स अ टॉप सीक्रेट। ये मत भूलिए सविता बहन कि अक्षय की भी बहुत सारी टॉप सीक्रेट बातें मुझे पता है। भले भले, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ भाभी कि कबीर के लिए लड़की आप अकेले पसंद नहीं करेंगी, मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए। हाँ हाँ, तो कबीर के लिए लड़की हम दोनों साथ मिलकर ही ढूंढेंगे। अक्षय कहाँ रह गया? वो तो आपके साथ आने वाला था ना? कमाल है ये लड़का है, मुझे तो लगता है गाड़ी में बैठना ही भूल गया होगा। हेलो अभी क्यों? क्या है ना, मैं अपना मोबाइल घर पे भूल गया था तो जब वापस लेकर मैं आया तो आप सब लोग जा चुके थे तो मैं बाइक पर आ गया। अरे आ गए आप लोग, चलिए। अरे बेटा वो तेरी गेम कैसे? कबीर बेटा तेरी वो फुटबॉल की मैच कैसे रही? एंड मौके पे हार गए भाई। कोई बात नहीं बेटा, ये हाँ, तो सब हार जीत तो चलती रहती है। चलो चलो अंदर चलो जी, प्लीज आइए। वेलकम वेलकम महेश भाई। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आप ही का इंतजार था, आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे इस एनुअल डे फंक्शन के चीफ गेस्ट और हमारे कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर महेश शाह हमारे बीच आ चुके हैं। प्लीज वेलकम With a big hand, Mr. Mahesh Shah. भाइयों और बहनों, we are in the last phase of our annual function. और इस आखिरी पड़ाव का अंत हम करेंगे fashion show और debate competition के साथ। आप मुझे all the best नहीं कहेंगे? क्या पता
आज इस फंक्शन में हमें कबीर के लिए लड़की मिल जाए। मुझे नहीं लगता है कि हमारे कबीर की टक्कर के हमें यहाँ कोई मिलेगी। मुझे क्यों ऐसा लगता है, आज हमें हमारी बहू जरूर मिल जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, फैशन कॉम्पिटिशन का रिजल्ट हमारे सामने है। जैसा की हम लोग सभी जानते हैं कि इनमें से टॉप 2 कंटेस्टेंट्स ही हमारे साथ अगले फाइनल राउंड में खेलेंगे, और जिसमें उन दोनों को एक टॉपिक दिया जाएगा जिसको उन्हें कम से कम शब्दों में समझाना होगा, जिसके जवाब पर होगा ऑडियंस का सबसे ज्यादा चीयर, वो होंगी आज की विनर। सो प्लीज वेलकम अ फर्स्ट कंटेस्टेंट, मिस अदिति दोषी। अब देखिएगा दूसरी वाली वही होगी, मेरी होने वाली दुल्हन। एंड आवर सेकंड कंटेस्टेंट मिस पिया पटेल। सविता बेन, पिया पटेल इतने गुजराती थे। ए अम्मे आई कृष्णा। और जिस टॉपिक पर उनको बात करनी है वो टॉपिक है स्टेटस। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्टेटस यानी पैसा, पावर और रुतबा। इन 3 चीजों से इंसान के स्टेटस का अंदाजा लगता है। जैसे मेरी फैमिली, बापूजी ने अपना स्टेटस बनाया था, वो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर हमारे आने वाली जनरेशन भी एंजॉय करेगी, क्योंकि हमसे पिछली जनरेशन से हमारे आने वाली जनरेशन तक हम सब एक बात ध्यान में जरूर रखेंगे कि हम अपने स्टेटस पर कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। आई थिंक कि इंसान अपने साथ दुनिया में कुछ नहीं लाता है, लेकिन जब वो जाता है, कितना जायदाद छोड़ जाता है, ये सारी उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी अचीवमेंट्स होती है, और अंतिम यात्रा में उसके पीछे कितनी भीड़ चलती है, मीडिया में, टीवी पर कितना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बनता है वो, अब उससे उस इंसान का स्टेटस डिफाइन होता है। That's all. अदिति कितना अच्छा बोली ना। हाँ? अब देखते हैं मेरी बहू क्या बोलती है। गुड इवनिंग एवरीवन। स्टेटस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इंसान का स्टेटस उसके पैसों से ज्यादा उसके कर्मों से नापा जाता है, उसके एटीट्यूड और उसकी काबिलियत से बनता है। वाह, ये उसी कांच के घर के तरह है जिसकी नींव कैरेक्टर और नियत से बनती है। अगर इंसान का कैरेक्टर मजबूत हो और उसकी नियत नेक हो, उसका स्टेटस अपने आप मजबूत हो जाता है। कितना अच्छा बोलती है ये लड़की। एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लाइफ में क्या परिवर्तन लाता है, एक दूसरे इंसान के होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए कामयाब होता है, यही एक इंसान की असली अचीवमेंट है। पैसा और पावर टेम्पररी चीजें होती हैं, लेकिन क्लास और स्टेटस हर इंसान के अंदर होता है, जो हर इंसान को किसी भी परिस्थिति का सामना करना सिखाता है, और जिंदगी ना सिर्फ काटना बल्कि जिंदगी जीना सिखाता है। थैंक यू वेरी मच। वाह 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 बेटा वाह। थैंक यू। छक्का मार दिया इस लड़की ने। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव आवर रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स के अप्लॉज के आधार पर हमारी आज की विनर है मिस पिया पटेल। Now I request to Mr. Mahesh Shah, our chief guest and college trustee, to please come on the stage and present the award to Miss Pia Patel.
हमारी अदिति हार गई है, अब क्या इतनी ताली पे ताली बजाई जा रही है? अरे प्राइस तो घर पे ही आया है ना, बेटी ना सही बहुई को मिल गया। अदिति अदिति बेटा रोना बंद करो, हमारे लिए तो तुम ही विनर हो, है ना बा? और नहीं तो क्या, रणवानू बंद कर, जीवन में हार जीत लगी रहती है, इट्स ओके बेटा। प्लीज मम, मुझे पता है आप बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो। बेटा अदिति तुमने बहुत अच्छा बोला था लेकिन एक सेकंड मामा जी, आप चीफ गेस्ट थे ना, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? अदिति बेटा तुम तो जानती हो मैं वहाँ चीफ गेस्ट था, जज नहीं। बस अबे बेटा बस कर। क्या बस कर मम्मी, आप जानती भी है कि मैंने फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट किया है कि मैं आज क्राउन के साथ अपना पिक्चर अपलोड करने वाली हूँ, अब मैं क्या अपलोड करूंगी? आप लोग कुछ नहीं समझते। अरे अदिति बात तो सुन। अदिति आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसको समझा दूंगी। अब घर चले। हाँ बा। बा, असल में कॉलेज में ना आफ्टर फंक्शन पार्टी शुरू होने वाली है, तो मैं बाद में हूँ, प्लीज। अदिति का ध्यान रखना। आप फिक्र मत कीजिए बाप, मैं भी यहीं पे हूँ। ओके बा, तमिलों को जाओ, मैं और सविता बेन बस अभी आते हैं। हाय हाय, हम कहाँ से होके आते हैं? अब चलिए ना, बस दो मिनट बावे और जल्दी आ जाना। पर अब पर कहाँ, चलिए ना। एक मिनट भाभी, हम जा कहाँ रहे? पिया पटेल से मिलने। क्या? हाँ तो सविता बेन, हमें सामलो ने, पिया पटेल जैसी लड़की हमें पूरे बड़ौदा में नहीं मिलेगी। इसके पहले कि कोई और उसे देख ले, पसंद कर ले और हमारे हाथ से वो लड़की निकल जाए, हमें उसे मिलना ही होगा। अरे चलिए भाभी। सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही तो हुआ है। देखा आपने, स्मार्ट है, सुंदर है, साथ में संस्कारी भी है, और देखिए साथ में उसकी माँ भी है, लगे हाथ उससे भी बात कर लेंगे। परफेक्ट टाइमिंग है। हेलो पिया। हाय नमस्ते।